योग क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। एक और न्यू टॉपिक पे आज आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास तक सही नॉलेज पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब पे भी हर जगह मनुवादी बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आपको सही जानकारी नहीं मिलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सभी के पास तक पहुंच सके, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी सभी के पास तक पहुंच सके और हमारी मेहनत सफल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म में कितनी जातियां होती हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बौद्ध धर्म किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं सिखाता और ना ही किसी अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन करता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म ना तो वेद विरोधी है और ना हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचरण का विरोध किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध बने बगैर ही भगवान बुद्ध से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधाराओं को मानते हैं। बुद्ध ने अपने धर्म या समाज को नफरत या खंडन मुंडन करने के आधार पर खड़ा नहीं किया। किसी विचारधारा के प्रति नफरत फैलाना किसी राजनीतिज्ञ का काम हो सकता है और खंडन मंडन करना दार्शनिकों का काम होता है। बुद्ध ना तो दार्शनिक थे ना ही राजनीतिज्ञ थे, बुद्ध तो बस बुद्ध थे। हजारों वर्षों में कोई बुद्ध होता है, बुद्ध जैसा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, लेकिन दुख है कि कुछ लोग बुद्ध का नाम बदनाम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं होती। बौद्ध धर्म में तथागत बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुछ लोगों ने इसे कुछ संप्रदायों में विभाजित कर दिया है, जैसे हीनयान, महायान। तो ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने नहीं किया है, ये बुद्धिस्ट लोगों को तोड़ने के लिए साजिश चली गई है। इस साजिश के तहत इसके संप्रदायों को अलग किया गया है। हमें अलग अलग नहीं रहना है, हमें मिलजुल कर एकजुट रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड कराते रहना है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।